आ रहे हैं जो कि है चॉकलेट जिंजर स्क्वायर्स। बाहर से अगर आप खरीदेंगे तो आपको बाहर की भी ये बेकरी वाली भी जिंजर बिस्किट्स मिल जाएंगी। बेसिकली दे आर नॉट कुकीज, ये देखें सख्त है, ऐसे करके तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देख आप खाएंगे तो आपको लगेगा दांत टूट जाएंगे, किसी ने मुझे कल बोला मेरे दांत टूट जाएंगे, मैंने कहा नहीं ये बिस्किट्स हैं, ये कुकीज नहीं है। दे आर नॉट सपोज टू बी सॉफ्ट, दे आर सपोज टू बी नाइस एंड क्रंची एंड क्रिस्पी। और इसी तरह बनाइएगा, बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप उसको ज़्यादा बेक करते करते ब्राउन करने के चक्कर में जला नहीं दीजिएगा, फिर वो नीचे से जल जाती हैं बिकॉज इसमें गोल्डन सिरप है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस रेसिपी, आज हम क्या करेंगे, बहुत आसान, बहुत ही मज़ेदार सा विंटरी, एक मज़ेदार सा झटपट सा डिज़र्ट। ये है मेरे पास अदरक। अब आप सोचेंगे किस किस्म की अदरक है ये क्रिस्टलाइज्ड जिंजर है, ठीक है। ये आपको मिल जाता है, यहाँ भी मिल जाता है, बाहर भी रहने वालों को मिल जाता है। अदरक के पतले पतले स्लिवर्स हैं जिसको चीनी के शीरे में पकाया जाता है। कराची में आपको बड़ी बड़ी बन्नीज मतलब जार्स में आपको मिल जाता है एम्प्रेस मार्केट में, और जिस तरह ऑरेंज पील, रेड चेरीज, ग्रीन चेरीज मिलते हैं, वैसे ये क्रिस्टलाइज्ड जिंजर भी मिलता है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम करेंगे चॉप। कैसे करेंगे, छुरी से भी हो जाता है लेकिन कैंची से बेस्ट होता है। सो जस्ट मेक लिटिल लिटिल स्लिवर्स लाइक दिस, ठीक है। ये मैं जब ग्रेनोला बनाती हूँ उसमें डालती हूँ, ये बहुत सारे डिज़र्ट्स में बहुत अच्छा रहता है। एंड आप इसको छोटा छोटा चॉप कर सकते हैं, इस तरह रख सकते हैं ताकि मुँह में आए तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा तीखापन भी है इसमें, मीठा भी है, अदरक की टेस्ट भी है, ट्राई करके देखिएगा, बनाइएगा ज़रूर। आज की दूसरी रेसिपी हम ऑलिव ऑयल सासो यूज़ करके बहुत ही मज़े की येट आसान थाई चिकन करी यूजिंग थाइज बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। चिकन के थाइज हैं मेरे पास, चिकन ब्रेस्ट फिले से बना सकते हैं, फुल चिकन से बना सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं उसको। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको चॉप कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ बिस्किट्स हैं, उनको हमें डालना है फूड प्रोसेसर में। ये हम चूरा इसको करना है हमने। ये बिस्किट्स हैं कल वाले, ये पैकेट के बिस्किट्स हैं, ये चॉकलेट है, गोल्डन सिरप है, मक्खन है, दैट्स इट। और ये है क्रिस्टलाइज्ड जिंजर। सब कुछ मिक्स करके हम सेट कर देंगे और कल रेडी हो जाएंगे चॉकलेट जिंजर स्क्वायर्स। वेलकम बैक। ओके, अब मैंने क्या किया था, यहाँ 300 ग्राम चॉकलेट है, डार्क कुकिंग चॉकलेट चॉप करके रखी हुई है। यहाँ मैंने 100 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन रखा हुआ है, 100 ग्राम ही मेरे पास ये गोल्डन सिरप है, ठीक है। ये हर जगह मिल जाता है, नहीं हो शहद का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपके सामने जो जिंजर बिस्किट्स थे क्रश करके यहाँ फूड प्रोसेसर में रख दिए हैं, दो बिस्किट्स मैंने रखे हैं और थोड़ा सा मैं जिंजर रख दूंगी ऊपर डेकोरेशन के लिए, अदरवाइज एवरीथिंग विल जस्ट गो इन। सो बिस्किट्स को आपको जिंजर के साथ मिक्स करके रख देना है। सो बिस्किट्स एंड जिंजर गो टुगेदर, ये इस तरह, ठीक है। फिर चॉकलेट आपने एक पैन में डालनी है, उसके अंदर आप डालेंगे ये मक्खन, लेकिन चूंकि मैं भूल गई थी उसको फ्रिज में से निकालना, तो ज़रा पहले हम मक्खन को क्यूब्स में काट लेते हैं ताकि आसानी रहे मुझे पिघलाने में, वरना बहुत टाइम लग जाएगा और मक्खन के पिघलाने के चक्कर में हमारी चॉकलेट बेचारी ज़रा ज़्यादा ही गर्म हो जाएगी, ठीक है। सो वी डोंट वांट कि चॉकलेट गर्म हो जाए। चॉकलेट अगर गर्म हो जाएगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जब जाएगा, मतलब उसको जब बुखार हो जाएगा बहुत सारा, तो तो हम उसको फिर लो नहीं कर सकेंगे। सो नाउ द गोल्डन सिरप विल गो इन। ये आप गोल्डन सिरप ले आ सकते हैं, एक टिन में मिलता है ग्रीन और सिल्वर कलर का, ये देखें बहुत सारी चीज़ों में, डिज़र्ट्स में काम आता है। बड़ा सा टिन ला के रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबा अरसा चलेगा, और प्लीज़ फ्रिज में नहीं रखिएगा, ठीक है। बाहर एक दफ़ा मैंने फ्रिज में रख लिया था, फिर इतनी मुश्किल से वो चमचे से निकला था। सो नाउ गोल्डन सिरप, मक्खन और चॉकलेट इसमें चला गया है, स्टेम जिंजर, क्रिस्टलाइज जिंजर इसमें चला गया है, जिंजर बिस्किट्स के साथ बहुत अच्छा जिंजर का टेस्ट आएगा, ठीक है। अब ये एक बर्तन ले लीजिएगा, उसको ज़रा थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेते हैं विथ सासो ऑलिव ऑयल, 100% प्योर, वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ फ्रॉम दीज टिन्स।
गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू योर सैलड. मैं सैलड बनाना आपको सिखाऊंगी और जो ड्रेसिंग हम बनाएंगे वन ऑफ दीज डेज इसी हफ्ते में, तो आप देखिएगा सीखिएगा किस तरह हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ ड्रेसिंग बनाना मैं आपको सिखाऊंगी. इट्स आइडियल फॉर फ्राइंग, कुकिंग, बहुत डिलिशियस खाना बनता है. 700 ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा. 100% प्योर ऑलिव ऑयल है, इम्पोर्टेड फ्रॉम इटली, और बेस्ट फॉर कुकिंग एंड सैलड्स के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन. ठीक है, ओके, एवरीथिंग हैज़ टू बी मिक्स्ड. अब देखें ये क्या करना है हमने. इसका चमचा चलाते रहिएगा, चॉकलेट मक्खन और गोल्डन सिरप कहीं नीचे लग ना जाए. सो बिस्किट्स के साथ आपने जिंजर मिक्स करके रख लिया. आप वैसे भी कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन मिक्स एवरीथिंग टुगेदर एंड जस्ट पुट इट इन अ लेयर. इसमें हाँ, आई नीड अ ब्रश बिकॉज मैंने जो ऑलिव ऑयल इसमें डाला है ये देखें जी. आप कुछ कह रहे हैं? हेलो, एक कॉलर है जी. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़रनत जी. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र. पहचानी मेरी आवाज? नहीं. कौन? नहीं नहीं, फातिमा बावल नगर. अच्छा जी, फातिमा जी क्या हाल है? सॉरी जी, सबकी आवाजें सेम लगती हैं बाज़ वक्त. अच्छा अच्छा जी, मैं ठीक हूँ. आपकी शर्ट बहुत प्यारी लग रही है पहनी हुई आज. अच्छा जी, प्लेन सिंपल शर्ट है जी, लेस लगा ली है बस. अच्छा, बहुत अच्छी लग रही माशाल्लाह, मौसम के लिहाज से. नहीं एक्चुअली बहुत पतला कपड़ा है, ऐसे मैंने गलती से पहन लिया है आज. यहाँ कराची में इतनी सर्दी ही नहीं है. सर्दी नहीं है? नहीं, पंखे. अच्छा, चल रहे हैं. मैं सर्दी में बैठी हूँ ना. हाँ, लग रही अच्छी मुझे. बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सर्दी है, मरी की तरह मौसम हो रहा है. हाय हाय, मुझे तो बिल्कुल सर्दी पसंद नहीं है. अच्छा, इतनी सख्त सर्दी हो रही है जरा, बस ना दिल किया आपसे बात करूं. आपसे बात करके दिल खुश हो जाता है. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी. खाने भी अच्छे बनाते हैं माशाल्लाह आप, और हमें अच्छे लगते हैं. डिफरेंट बनाते हैं, मतलब देसी भी बनाते हैं और दूसरे भी बनाते हैं. दूसरे भी ट्राई करिएगा, ठीक है जी? ट्राई करते होते हैं. आप ना बाजरे की ना वो जो है ना आटा, उसकी कोई चीज बनाए बना के बता देना, या भी थोड़ी सी रेसिपी बता दें बाजरे का आटा, बाजरे की, जो जिसमें सर्दी फील ना हो खा के हमें. अच्छा, ओके ओके, ठीक है जी. अच्छा जी, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. सूप पीते रहिएगा यखनी, बहुत सर्दी है ना. ओके, चलिए, क्या ब्रेक है? अच्छा, नो नो, ओके जी. चलिए अब हम क्या करेंगे, ये है बिस्किट एंड जिंजर, इसको हम मिक्स करके इसमें डाल देंगे. जिंजर के पीसेस इसमें से मुंह में आएंगे. ये क्या है, ये क्यों नहीं कटा? इसको काटते हैं, वरना किसी एक को इतना बड़ा पीस मुंह में आ जाएगा. छोटे छोटे भी चॉप कर सकते हैं, ठीक है. इट्स एन अक्वायर्ड टेस्ट, कुछ लोगों को बहुत पसंद है, कुछ लोगों को तीखा तीखा लगता है, लेकिन ये सीजन में ऐसी तीखी तीखी चीज़ें खाने का मन होता है. मेरा तो होता है एटलीस्ट बिकॉज ऑफ विंटर. ओके, ये हो गया. अब ये जो चॉकलेट है, मक्खन और गोल्डन सिरप, ये अच्छी तरह स्मूथ हो गया है. चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस भी ये ऊपर से जाएगा इस तरह. ओफ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस. बिस्किट का लेयर मैंने थोड़ा सा मोटा रखा हुआ है बिकॉज जब आप खाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा मैंने ऐसे क्यों किया है. सो वील नीड टू स्मूदन दिस. बिस्किट के लेयर में ज़्यादा वो नहीं हो, ठीक है. और अब इसको आप रख देंगे सेट होने के लिए. तो ये सेट जब हो जाएगा तो आप इसके स्क्वायर्स काटेंगे और ऊपर से ये बिस्किट जाएंगी, या थोड़े से ये क्रिस्टलाइज जिंजर मैंने अलग से रखा है वो जाएगा. और इसमें तो है थोड़ा सा चॉकलेट बचा हुआ, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हम स्पैचुला की मदद से पूरा निकालेंगे बिकॉज वी डोंट वॉन्ट कि ज़रा भी ये वेस्ट हो कुछ भी, ठीक है. स्पैचुला इजाद जो किया है इसीलिए किया है ताकि मैं सारे के सारे मेरे पैन्स खाली खाली ऐसे कर सकूं. चलिए जी, ये करके मैं इसको फ्रिज में रख देती हूं. जैसे ही हम ब्रेक से आएंगे हम चिकन के थाइज़ के साथ थाई चिकन कड़ी, बहुत ही आसान, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आपके घर में नहीं होगी, कोई थाई मसाला है ही नहीं, ठीक है, वो हम बनाएंगे, लेकिन बहुत लजीज सी बनती है. सो ट्राई करिएगा, मगर मेरे साथ रहिए, देखते रहिए शो हमारा आफ्टर द ब्रेक. Office.